हम आ जाते हैं टिंडों की तरफ, जिसके लिए आपको चाहिए होंगे टिंडे। प्याज हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, चॉप्ड हरी मिर्चें हैं, ऑयल है, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, काली मिर्च और पिसा गरम मसाला, हरा धनिया, ज़ीरा, लहसुन और नमक। ये तमाम चीज़ें इसमें हमें चाहिए होंगी। और इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि हमने पैन में प्याज ले लेनी है, हमने उसमें टिंडे और पिसी लाल मिर्च, हल्दी, इनको इतनी देर तक उबालना है कि टिंडे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद हमने इनको मैश कर लेना है। तो आपने सिंपली टिंडों को वॉश कर लेना है और वॉश कर लेने के बाद हम इसको एक टिंडे के 4 से 8 पीस करेंगे और इसके बाद हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमने एक अदद पैन ले लिया और यहाँ से जो हमारे ये टिंडे हैं, स्किन वगैरह भी हम इनकी नहीं निकालेंगे। और एक टिंडे के मैंने, ज़्यादा बड़े हैं तो आप 8 पीसेस इसके कर लीजिए, और इसको रख देते हैं उबलने के लिए। इतनी देर तक ज़रूर बॉईल करेंगे कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, और बाद में पोटैटो मैशर की मदद से ही आपने इसको मैश कर लेना है। पानी आप हम इसमें ऐड कर देंगे, अपने हिसाब से आपने शामिल कर देना है, तकरीबन 2 से 2.5 कप ऐड कर दीजिए, ताकि टिंडे उसमें बहुत अच्छे से डिप हो जाएं। हम इसमें प्याज ऐड करने जा रहे हैं और जो पिसे हुए मसाले हैं, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, ये हमने अभी ही ऐड कर देना है और उसके साथ ही हम इसको तैयार कर रहे हैं। वैसे हरी लहसुन भी अब आ चुकी है मार्केट में और सर्दियों की सौगात है ये हरी लहसुन भी। जब आप इसको भगाड़ लगाएं, जब अमूमन ये सर्दियों में तैयार किए जाते हैं, तो इसको भगाड़ हरी लहसुन के साथ भी लगाया जाता है। और जब गर्मियों में आप इसको बनाते हैं, तो आप रेगुलर जो हमारी लहसुन है उसके साथ इसको भगाड़ लगाएं, तो हरी लहसुन के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चलें, इनको हम चॉप करते जा रहे हैं और इसको हम सिंपली हमने बहुत अच्छे से सॉफ्ट बॉईल कर लेने। टिंडे लेते वक्त भी आपने ज़रूर ये देख लेना है, बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, इसके जो अंदर के बीज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ना हों। उससे भी क्या होगा कि आपकी जो सब्ज़ी है उसके टेस्ट में फ़र्क आएगा। तो सब्ज़ी अच्छी सी हो, बहुत ज़्यादा पके हुए ना हों टिंडे, और इनके बीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ना हों। तो चलिए, ये हमने इनको रफली चॉप कर लिया और मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। ऐड कर देते हैं 2 से 2.5 कप, इतना कि ये एटलीस्ट इसमें डिप हो जाए। और अब इसका स्टोव हम कर लेते हैं ऑन। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ प्याज, प्याज भी हमने ऐड कर देनी है 2 से 3, इसको भी हमने इसके साथ ही बॉईल कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी पाउडर, ये 3 चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। तो शामिल कर देते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसमें चला गया सॉल्ट, हल्दी पाउडर और हम ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हमने इसको उबलने देना है। जैसे ही उबलना शुरू होगा हम इसको कवर कर देंगे, इतनी देर तक के लिए पकाएंगे बिल्कुल मैश हो जाएं। पोटैटो मैशर से हमने इनको मैश कर लेना है और उसके बाद हमने इसका एक भगाड़ तैयार करना है। और इसमें हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला है, काली मिर्च है और लहसुन के साथ हम इसको भगाड़ लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, आप हरी लहसुन का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपने हरे धनिए को ओमिट कर देना है और हरी लहसुन के साथ आप इसका भगाड़ लगाएं। तो मैं एक अदद स्पून ले लेती हूँ, थोड़ा सा इसको स्टिर कर लेते हैं। तमाम ही सब्ज़ियाँ हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा, टिंडे भी उन सब्ज़ियों में से हैं जो ओवरऑल एयर ही हमें नज़र आ रहे होते हैं और हम इनको अवेल कर रहे होते हैं। गोश्त के साथ भी टिंडे बहुत अच्छे मज़े के बनते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर कर देना है कवर। जैसे ही ये उबलने लगेगा हम इसकी आंच को स्लो कर देंगे। इसको हम वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो टिंडे हैं उनको हमने पकने के लिए रख दिया और हमने उनको कुकर में पकने के लिए रख दिया है। और उसकी वजह यही है कि मैं चाह रही हूँ कि जितना
हमारे शो का टाइम है तो वो जल्दी से झटपट से हो जाएं, हमें उनको बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है। और जब आप घर में कुकिंग कर रहे होते हैं तो हमें टाइम का इतना कोई सिंधी स्टाइल टिंडे हम बनाने जा रहे थे, अब हमने इसमें शामिल कर देना है ऑयल और उसमें हम जीरे को कड़कड़ाएंगे, लहसुन हमने कड़कड़ा लेनी है और फिर हमने उसमें शामिल कर देना है हरा धनिया, पिसा गरम मसाला है, पिसी काली मिर्च है, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। तो मैं ये वाला जो पैन है इसको कर देती हूँ एक तरफ और हम अपना ये कुकर भी खोलते हैं, देखते हैं कि टिंडे कहाँ तक पहुँचे, हल्का सा उसको मैश करेंगे, अगर पानी होगा उसको हमने थोड़ा सा पका लेना है और उसको हमने ड्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो हमें टिंडों में नहीं चाहिए। मैं एक अदद और फ्राइंग पैन ले लेती हूँ, और इसमें हम ऐड कर देते हैं ऑयल भगार के लिए, इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा और इसमें हमने ऐड कर देना है लहसुन, तो आँच भी खोल देंगे, साथ ही साथ ऐड करते जाते हैं लहसुन, शामिल करेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, तो सेंटर से हमने थोड़ा सा कट कर लेना है, एक से दो, मैंने आंच को बंद कर दिया है, थोड़ा सा हमने इसको प्रेस किया है अच्छा सा और फिर इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए ये जनाब इसका तैयार हो रहा है भगार, और अब क्योंकि स्टीम हमारी निकल चुकी है तो कुकर को खोल के देखते हैं। मरियम है कराची से, मरियम से बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जी। मरियम कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप भी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। मरियम क्या कहेंगी? आप भी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बड़े दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। और आप आजकल कुछ सवाल है? नहीं मरियम, आज का सवाल तो कोई भी नहीं है। आप कोई हमसे सवाल करना चाहेंगी? पाउंड केक बनाना सिखा दें। पाउंड केक बनाना सिखा दें, चलें प्लान में हम देते हैं पाउंड केक। और यहाँ पे जो मेरा केक खराब हो जाता है, क्यों, किस वजह से? क्या हो जाता है आपके केक को बताएं? केक मेरा जैसे खराब हो, बैटर है ना, बैटर गीला रहता है, ऊपर से जल जाता है। बैटर गीला रहता है और ऊपर से जल जाता है? जी जी। तो ये तो आई थिंक आपके ओवन में कोई मसला है कि उसकी जो हीट है वो प्रॉपर नहीं है, कि नीचे से केक आपका बिल्कुल भी नहीं पक रहा और ऊपर से जल रहा है। आप देगची में बनाती हैं या ओवन में बनाती हैं? ओवन में, ओवन में। ओवन में बनाती हैं तो आपका हीट टाइम बनाया है, मैंने ट्राई किया। तो आप कितने डिग्रीज पे रखती हैं? 180। लेकिन आपके ओवन में ही कोई मसला है, या तो आप उसको दिखा दीजिए जो उसकी हीट है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है पूरे ओवन में, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि ऊपर से जल जाए और अंदर से लिटरली कच्चा रहे। तो आप उसको चेक करवा लीजिए एक दफ़ा, ठीक है? शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब हमने इसका भगार जो है वो तैयार कर लिया है, तो क्यों ना ये ऑयल और जो हमारे मैश हुए हुए टिंडे उन सब को हम एक जगह करें और थोड़ी सी देर के लिए दम लगाएं, हरा धनिया ऐड करें और इसको हम सर्व कर देंगे। सिंपल सी चपाती और फुलके के साथ आपके ये मैश हुए हुए टिंडे जो हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलें, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको दम दूँगी ताकि ऑयल में ये पक जाएँ और भगार का जो टेस्ट है वो उसमें आ जाए। तो एक से दो मिनट के लिए रखेंगे, जब तक आप देखेंगे रिकैप ब्रेक। हरा धनिया मैं इस पे काट के ऐड करूँगी, और शेफ्स कुकवेयर में हम इनको तैयार करते हैं, बनाते हैं, जितने भी हमारे ये बर्तन हैं और 70 एयर्स इनको हो गए हैं मार्केट में। सबसे पहली नॉनस्टिक पैन बनाने वाली कंपनी है, सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली ये कंपनी है, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप इनको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। इनके जितने भी यूटेंसिल्स हैं, इनके बर्तन हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऑर्डर करें। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए काट लेती हूँ हरा धनिया, और दो चीज़ें हमने ऐड करनी थी, पिसा गरम मसाला और साथ ही हम ऐड करेंगे पिसी काली मिर्च।
तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं हाफ हाफ टी स्पून। इसमें चला गया पिसा हुआ गरम मसाला और हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई काली मिर्च हाफ टी स्पून। थोड़ा सा आंच को तेज करते हैं। ब्रेक का टाइम है, मैं बस दोनों डिशेस को निकाल के सर्व करती हूँ। हरे धनिया थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। आप जल्दी से रिकैप ब्रेक लेकर वापस आइए और कहीं भी आपने नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चपली कबाब, अज्जा बीफ का कीमा 300 ग्राम, चॉप प्याज आधा कप, भीगा और पिसा अनारदाना दो खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला एक चाय का चमचा, भुना बेसन दो खाने के चमचे, चॉप हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, नमक हसब जायका, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, भुना कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधा कप, अंडा 1 अदद, चॉप टमाटर आधा कप, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब, बोल में बीफ का कीमा, भीगा और पिसा अनारदाना, पिसा गर्म मसाला, भुना बेसन, हरी मिर्चें, नमक, कुटी लाल मिर्च, भुना कुटा धनिया, प्याज और अंडा डालकर मिक्स करें और 10 से 20 मिनट फ्रिज में रख दें। फिर इस मिक्सचर की पैटी तैयार करके टमाटर का स्लाइस ऊपर रखें। अब तेल गर्म करके चपली कबाब दोनों तरफ से 4 से 5 मिनट फ्राई कर लें। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर गर्म गर्म सर्व करें। सिंधी स्टाइल टिंडे, अज्जा चॉप टिंडे क्यूब्स 500 ग्राम, चॉप प्याज 300 ग्राम, चॉप हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, तेल आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, चॉप हरा धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक हसब जायका। तरकीब, पैन में प्याज 1 कप, पानी, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और टिंडे डालकर अच्छी तरह इतनी देर उबालें कि मिक्सचर मैश हो जाए। फिर दूसरे पैन में तेल गर्म करके जीरा, लहसुन, हरी मिर्चें और मैश की हुई प्याज और टिंडे का मिक्सचर शामिल करके चंद मिनट पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो पिसा गर्म मसाला और पिसी काली मिर्च छिड़क दें। आखिर में इसे डिश में निकाल कर हरे धनिया से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व कर दें। सिंधी स्टाइल टिंडे, अज्जा चॉप टिंडे क्यूब्स 500 ग्राम, चॉप्ड प्याज 300 ग्राम, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, तेल आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा।